अब करुणा आते ही, क्योंकि वो मां है, जननी है। वो जगत जननी, हिमांचल और मैना के सामने प्रकट हुए। हिमांचल और मैना ने अष्टभुजी पराम्बा के दिव्य स्वरूप को देखकर दिव्यमान प्रकाश करोड़ों करोड़ों सूर्यों को लज्जित करने वाले वो दिव्य प्रकाश पराम्बा आदि शक्ति महामाया को देख करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, मैना हे महामाया, हे आदिशक्ति, आप ही से समस्त चराचर की उत्पत्ति, आप ही प्रकृति रूपा हो, आप ही क्षमा धृति जया हो, आप ही योग माया हो, आपके इस सौंदर्य को देख करके, इस रूप को देख करके हे मां, हे जगदम्बा, आप अपने भक्तों को के कार्य को पूर्ण करने के लिए ही, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही, कृपा करने के लिए ही नाना रूप धारण करके आप अवतरित होती हैं। आपके अनेकों नाम, और अवतरित होकर के आप भक्तों की पूर्ण मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको ही लोग चामुंडा काली, भद्रकाली, जया, दुर्गा नाम से अब पुकारते हैं। भगवती ने कहा, देवी हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी आराधना से मैं खुश हूं। तुम वरदान मांगो, तुम्हारी मनोकामना के पूर्ण करने के लिए ही, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं अवतरित हुई, तुम्हें दर्शन देने के लिए आई। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो मांगो,
माँ मैं ना कहती हे भगवती, हे परम्बा, हे आदिशक्ति, अगर आप देना चाहती हो तो मुझे यही वरदान दो कि मेरे 100 पुत्र और 1 पुत्री हो। भगवती परम्बा ने कहा, देवी मैं सबके मनोकामना को पूर्ण करने में सब सर्व सामर्थ्यवान हूं, मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो। परम्बा आदिशक्ति हिमांचल को और मैना को वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोल दुर्गा माता की हो। अंतर ध्यान हो गई दोनों, हिमांचल और मैना दोनों अपने घर आए। कुछ दिन पश्चात मैना ने गर्भाधान किए और 100 पुत्रों को जन्म। सबसे ज्येष्ठ पुत्र मैना, सब पुत्रों के बाद पुनः गर्भाधान की जब भगवती पराम्बा से उन्होंने प्रार्थना की थी तो एक बात उन्होंने ये भी कहा कही थी कि मां आप ही मेरी पुत्री के रूप में आए। और वही भगवती पराम्बा आदि शक्ति जब मैना के गर्भ में आई है तो देवताओं ने, ऋषियों ने आकर के पराम्बा आदि शक्ति का स्तुति की। भगवती परम्बा मैना के गर्भ में विराजमान है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और 10वें महीने में मैना ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म। वो कन्या इतनी सुंदर थी कि त्रिलोकी में उसके समान सौंदर्य किसी का नहीं।
भगवती पराम्बा का नामकरण किया गया। और उनका नाम पार्वती रखा। एक रोज अचानक ही मैना के मुख से ऊ और मां निकल गए। इसलिए उनका नाम उमा भी पड़ गया। बाल लीला करती हुई शिव प्रिया शिवा पार्वती हिमाचल के महल में घुटन चलती है। देख करके हिमांचल और मैना बड़े आनंदित होते हैं। एक रोज नारद जी महाराज देव प्रेरणा से घूमते घूमते कहने लगे, देवी ये जो आपकी पुत्री है ये शिवप्रिया है, इसके हस्तरेखा में ये लिखा हुआ है कि ये भगवान शंकर को भगवान शिव को भगवान आशुतोष को अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी। जो त्रिलोकी के नाथ हैं, जो देवों के देव महादेव हैं, उस महादेव की ये प्रिया बनेगी। जो सृष्टि करता पालन करता संहार करता है, जो आदिदेव है, जो निर्गुण सगुण रूप से भक्तों के मनोवांछित फल को देने वाले हैं, ऐसे भोलेनाथ की ये अर्धांगनी हो। नारद जी महाराज ने पार्वती के हस्तरेखा को देख कर हिमांचल को मैना को उनके भविष्य के बारे में बताए। भगवान एक रोज
भगवती पराम्बा पार्वती ने स्वप्न देखी। स्वप्न में क्या देखती है? कि भगवान आशुतोष अवधारदानी शिव का दर्शन हुआ, अब शिव के दर्शन करके बड़ी आनंदित, बहुत आनंदित। लेकिन शिव के दर्शन करने के बाद निद्रा अवस्था नहीं थी, उसी समय मैना उनके शयन कक्ष में आई। अचानक पार्वती के निद्रा खुली, कहने लगी, मां आप कब आई, मुझे पता ही नहीं लगा। माता, मैंने एक स्वप्न देखी, मैं उनके स्वप्न के विषय में आपको बताती हूं। मेरे सपने में एक दयालु ब्राह्मण तपस्वी आए। जब मैंने उन्हें हाथ जोड़ करके नमस्कार किया तो मुस्कुराते हुए बोले, कि तुम अवश्य ही भगवान शिव के प्राण वल्लभा बनोगे। और उनको प्राप्त करने के लिए तुम तपस्या करो। भोले नाथ सनिराला गौरी, नाथ सनिराला कोई और नहीं। बोले नाथ सनिराला कोई और नहीं। बोले नाथ सनिराला गौरी, नाथ सनिराला कोई कोई और नहीं। कोई और
अपनी स्वप्न की बात बताएं।
उन्होंने कहा एक तपस्वी उत्तम तपस्वी हिमाचल जी महाराज कहते हैं देवी मैंने भी एक सपना देखा मेरे नगर में एक उत्तम तपस्वी पधारे हैं तपस्या करने के लिए उनको देख करके मैं बहुत खुश हुआ मैं अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के उनके दर्शनों के लिए गया तब मुझे पता लगा कि वे नारद के बताए हुए भगवान शिव ही हैं मैंने पार्वती को उनकी सेवा करने की आज्ञा दी मैंने पार्वती को उनकी सेवा करने की आज्ञा दी परंतु वो तपस्वी मेरी बात को माने नहीं तभी वहां शांक शास्त्र वेत्ता वेदांत पर विवाद छिड़ गया तत्पश्चात उनकी आज्ञा पाकर पार्वती वहीं रहकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी हे प्रिय यही मेरा सपना था जिसे देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई मैं सोचता हूं कि हमें कुछ समय तक इस स्वप्न का सच होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए ऐसा कह करके हिमांचल और मैना स्वप्न के सच होने की प्रतीक्षा करने लगे ब्रह्मा जी कहने लगे हे नारद भगवान शिव का यश परम पावन मंगलकारी भक्ति वर्धक और उत्तम दक्ष यज्ञ से वे अपने निवास कैलाश पर्वत पर वापस आ गए वहां आकर के भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती को याद करके उनके वियोग में बहुत दुखी थी उनका मन देवी सती की स्मरण कर रहा था
और याद कर करके बहुत व्याकुल हो रहे। तब उन्होंने अपने सभी गणों के वहां बुलाया और फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर वे सब कुछ समय तक सभी लोगों में सती को खोजते हुए घूमते रहे। उसके बाद पुनः कैलाश पे आ गए, क्योंकि उन्हें कहीं भी सती का दर्शन नहीं हुआ। बहुत लंबे समय तक समाधि लगाकर बैठे रहे हैं, असंख्य वर्ष बीत गए, समाधि परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीना निकला। भगवान शिव ने असंख्य वर्ष तक जो तप किए, समाधि लगाई, तो उसका समाधि का तप का जो परिश्रम था, जिसके कारण उनके शरीर से एक बूंद पसीने का पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी पे जैसे ही पसीना गिरा, उस पसीने से एक बालक का जन्म हुआ, जो लाल रंग का था, उसकी चार भुजाएं थी। वो बालक बड़ा ही मनोहर था, उस बालक को देख करके सांसारिक मनुष्यों की भांति शिवजी उसके पालन पोषण का विचार करके व्याकुल हो गए कि इसका पालन पोषण कैसे। उसी समय डरी हुई एक सुंदर सी स्त्री प्रकट सामने आई। उसने उस बालक को अपनी गोद में ली और उसका मुख चूमने लगी। तब उन्होंने उसे दुग्ध पिलाया और दुग्ध पान करके वो बालक जो रो रहा था शांत हो गया। फिर उसे गोद में लेकर के खिलाने लगे। वो स्त्री और कोई नहीं थी, वो पृथ्वी माता ही वो स्त्री का रूप धारण करके आई। संसार की सृष्टि करने वाले, सब कुछ जानने वाले भगवान शिव महादेव ये देख करके हंसने लगे, क्योंकि वो पृथ्वी को पहचान गए थे। पृथ्वी से बोले, हे धरणी, तुम इस शिशु का पुत्रवत प्रेम पूर्वक पालन करो। यह शिशु मेरे पसीने से प्रकट हुआ है,
हे वसुधा, यद्यपि यह मेरे पसीने से उत्पन्न होने के कारण ये मेरा पुत्र है, लेकिन संसार में जगत में तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जाने जाएंगे। यह परम गुणवान भूमि देने वाला अब मुझे भी सुख देने वाला होगा। हे देवी, तुम इसको धारण करो। हे नारद, यह कह करके भगवान शिव चुप हो गए। उनका दुखी हृदय शांत हो गया था। भगवान शिव की आज्ञा पा करके भगवती धरणी अपने पुत्र को साथ लेकर के अपने निवास स्थान पर चली गई। इसका नाम भौम रख। बड़ा होकर के वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर भौम काशी गया और वहां ने उसने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की सेवा आराधना की। तब भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके पृथ्वी पुत्री पुत्र भौम दिव्य लोक को चला गया। भगवान शिव वहां से घूमते घूमते हिमालय के चोटी पर पहुंच गए। हे नारद, जो गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती थी, जो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप थी, वो अब 8 वर्ष की हो गई। भगवान शिव को भगवती जगदम्बा का जन्म का समाचार मिला, तब भगवान शिव ने अपने हृदय में अंतःकरण में उस बालिका को धारण करके बहुत प्रसन्न। तब उन्होंने मन को एकाग्र किया। और फिर मन में सोचने लगे कि मुझे तप करना चाहिए। भगवान महादेव नंदी और कुछ गणों को साथ लेकर के हिमालय के सर्वोच्च शिखर जहां से भगवती
गंगा अवतरित होती है। गंगोत्री के सर्व शिखर पर जाकर के तपस्या करना, इधर हिमांचल को पता चला को कोई तपस्वी हमारे राज्य में तपस्या करने के लिए आया। हिमांचल अपने शिव को लेकर के उन्होंने वहां पर पहुंचे। तो देखा क्या भगवान शिव वो तपस्वी नेत्र बंद करके तप में ध्यान में लगे। हिमांचल दोनों हाथ जोड़ करके रुद्रदेव को प्रणाम किए, भक्ति भाव से पूरा पूजा आराधना करने लगे। कहने लगे आप यहां पधारे, बड़ी कृपा की, यह मेरा सौभाग्य है। कि आप यहां पधारे, आप भक्त वत्सल हैं, मेरा जन्म धन्म हो गया, आपके दर्शन करके मेरा जन्म धन हो गया, ये नेत्र मेरे सफल हो गए, आप मुझे अपना सेवक समझ करके आप अपनी सेवा की आज्ञा प्रदान करें, आपकी सेवा करके अत्यधिक आनंदित होगा और आनंद का अनुभव करेगा। गिरिराज हिमालय के वचन को श्रवण करके भगवान शिव आशुतोष भूत भावन आंखें खोले। वहां पर सेवकों के साथ गिरिराज हिमांचल को खड़ा देखा तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गिरिराज, तुम्हारी शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूं। हिमालय तुम तपस्या के धाम हो, देवता मुनि असुर सबको तुम आश्रय देते, गंगा जो समस्त पापों को धोने वाली है, जो जीव के, क्योंकि शास्त्र भी कहता है गंगे तब दर्शनात मुक्ति, गंगा में
के दर्शन मात्र से ही जीव मुक्त हो जाता है। पतित पावनी भागीरथी जो जीव के समस्त पापों को धोती है, वो तुम्हारे ऊपर से हो करके निकलती है। इसलिए हे गिरिराज हिमालय, तुम अति पवित्र हो गए। यह परम पावन स्थान गंगा का उद्गम स्थली, यहां पर तपस्या करने के लिए आया हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी तपस्या में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़े। इसलिए तुम ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भी मेरे निकट न आ सके। अब तुम अपने घर जाओ और इसका उचित प्रबंध करो। ऐसा कह करके भगवान शिव शाम तब हिमाचल जी ने कहा, हे परमेश्वर, हे महादेव, मेरे निवास क्षेत्र में पधारे, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूं। भगवान, अनेकों मनुष्य आपकी अनन्य भाव से तपस्या और प्रार्थना करने पर भी आपके दर्शन नहीं होते। ऐसे महादेव, हम दीन को अमृत दर्शन से कृतार्थ किए, आप यहां तपस्या करने के लिए पधारे। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली हूं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। आपको यहां पर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं, तपस्या में नहीं आएगा। आप एकाग्र चित्र होकर तपस्या कर सकते हैं। यहां आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ऐसा कह करके गिरिराज हिमाचल अपने घर लौट गए। घर लौटने के बाद अपनी पत्नी मैना से भगवान शिव से हुई वार्तालाप के विषय में सारा वृतांत सुनाया और उन्होंने अपने सेवकों को बुलाए
और समझाते हुए कहने लगे, देखो आज से कोई भी गंगा अवतरण आप गंगोत्री नामक स्थान पर नहीं जाएगा। जो कोई भी वहां जाएगा मैं उसे दंड दूंगा। हिमालय ने इस प्रकार से अपने गणों को शिव के तपस्थली तपस्या के स्थान पर जाने न जाने का आदेश दे दिया। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे नारद, एक रोज हिमांचल गिरिराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के भगवान शिव के पास दर्शन। जब पहुंचे तो योग साधना में डूबे हुए भगवान त्रिलोकीनाथ का, भगवान शिव को देख करके और दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार। और नमस्कार करके भगवान भोलेनाथ से कहे, प्रभु हे महादेव, ये मेरी पुत्री पार्वती है, ये आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक है, आपकी आराधना के लिए मैं इसे लेके आया हूं, क्योंकि जिससे आपको साधना में किसी प्रकार से त्रुटि न हो, परेशानी न हो, यही सोच करके आपकी सेवा के निमित्त अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के आया। आज से आपकी सेवा में पार्वती अपने सखियों के साथ रहेगी और आपकी सेवा करेगी। आप मुझ पर कृपा करके अपनी सेवा का अवसर इसे प्रदान करें। भगवान शिव ने हिमालय कन्या पार्वती को देख करके अपने आंखें बंद कर और आंखें बंद करके परब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करने में निमग्न हो। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी शिव तपस्या करने लगे। ये
ये देख करके हिमाचल गया। सोच में डूब गया। हिमाचल सोचने लगे कि मैं तो इनकी तपस्या में किसी प्रकार के विघ्न बाधा न हो, इसलिए अपनी कन्या को लेके आया हूं। लेकिन ये तो स्वीकार करने के लिए तैयार। तब पुनः भक्त हिमांचल ने, हिमालय ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु आप इसे स्वीकार करें।